बैक टू माय चैनल दीपिका स्टाइल। मैं हूँ दीपिका। आज हम बनाने वाले हैं भजिए की कड़ी, जिसके लिए हमने इंग्रेडिएंट लिए हैं। यहाँ पे मैंने छाछ ली हुई है एक पैकेट, और यहाँ पे तड़के के लिए मैंने राई ली है, मेथी ली है और लहसुन ली है, दो से तीन सूखी लाल मिर्च ली हैं, और ये मैंने कड़ी पत्ते लिए हैं। अगर आपके पास ताज़ा हैं तो आप वो ले सकते हैं, मेरे पास सूखे हुए थे तो मैंने ये लिए हैं। आधी चम्मच मैंने यहाँ पे हल्दी ली हुई है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने हींग ली हुई है और हरी मिर्च है जिसको मैंने लंबा लंबा चॉप करके लिया हुआ है, और ये है बेसन, 2 चम्मच मैंने बेसन लिया हुआ है छाछ में डालने के लिए। इसको मैंने पतला घोल लिया है, आप इसको डायरेक्ट ना डालें, घोल के डालें, नहीं तो ये इसके मिल नहीं पाएगा। और यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन लिया हुआ है, और ये हरी मिर्च ली हुई है, ये हल्दी, हींग और 1 पिंच मैंने लिया हुआ है मीठा सोडा और नमक। ये इंग्रेडिएंट है मेरे भजिए बनाने का, इससे हम भजिए बनाएंगे जो कि हम कड़ी में डालें। तो चलिए हम कड़ी का बैटर तैयार कर लेते हैं। पहले हम इसमें बेसन डाल देंगे, बेसन को आप अच्छे से मिला लीजिएगा। अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक हम इसमें बाद में डालेंगे, इसको हमें अच्छे से मिला लेना है। देखिए मैंने यहाँ पे अच्छे से पूरा मिक्सचर मिला लिया है। तो चलिए हम कड़ी में छौंक लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, जिसमें मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। अब हम इसमें डालेंगे राई और मेथी, हम इसमें हींग और हरी मिर्च भी डालेंगे, लहसुन, और साथ में आप ये डाल दीजिएगा। थोड़ा सा इसको चला दीजिएगा, अच्छा गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे कड़ी का बैटर। देखिए हमने कड़ी में छौंक लगा दिया है। अब इसको धीमे आंच पे आपको लगातार चलाते रहना है, वरना इसमें बेसन के लम्स पड़ जाएंगे, इसलिए आपको लगातार चलाते हुए इसको बनाना है। आप बीच बीच में भी चलाते रहिएगा, जब तक हमारी कड़ी बनती है तब तक हम भजिए तैयार कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, मैंने भजिए का बैटर तैयार कर लिया है। इसको हमें ना ज़्यादा पतला करना है ना ज़्यादा गाढ़ा करना है, इतना रखना है कि हमारे भजिए आराम से बन जाएं। तो ये मैंने बैटर तैयार कर लिया है भजिए का, और गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी। ऑयल गर्म हो जाए तो हम भजिए बनाते हैं, और साइड में मेरी कड़ी भी बन रही है। ये देखिए कड़ी को मैं लगातार चलाते रहना। देखिए मैंने भजिए डाल दिए हैं, और आंच को एकदम स्लो रखिएगा ताकि भजिए हमारे अच्छे से पक जाएं। तेज़ रखेंगे तो वो ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से पक नहीं पाएंगे। कड़ी को देखते हैं, कड़ी हमारी होने वाली है। देखिए अब हम इसमें नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना हमें लगता है। और इसको लगातार चलाते रहिएगा। तो गाइस भजिए हमारे बन चुके हैं, इसको आधा आधा मैंने तोड़ लिया है। आप पूरा ऐसे ही मत डालिएगा, वरना वो कड़ी में जाके और बड़े बड़े हो जाएंगे, इसलिए आप ऐसे ऐसे आधा आधा काट लो। भजिए रेडी हैं, कड़ी भी हमारी हो गई है। अब हम इसमें डाल देते हैं भजिए। भजिए ज़्यादा मत डालिएगा, थोड़े से ही डालिएगा, क्योंकि वो भजिए उसमें कड़ी में जाके फूल जाते हैं। ये देखिए कड़ी भी हमारी रेडी हो चुकी है, थोड़ा सा और पकने देंगे भजिए को। सो गाइस हमारी कड़ी बन चुकी है। ये देखिए इसमें मैंने मिट्टी के दिए के छौंक लगाई है। ये देखिए ये है मिट्टी का दिया,
अगर आपको भी इसकी रेसिपी देखना है कि मिट्टी के दिए से छोंक कैसे लगाते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये देखिए एकदम देसी स्टाइल है मिट्टी के दिए से छोंक लगाना। तो हमारी कढ़ी इज़ रेडी। ये देखिए गाइस, कढ़ी हमारी रेडी हो चुकी है और हमने इसे सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप मेरे को लाइक कीजिएगा, मेरी इस वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और पास में बेल आइकन का बटन है तो उसको प्लीज़ प्रेस करिएगा, ताकि मेरी आगे की जो वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। सो गाइस, थैंक यू सो मच।